सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। आज मैं आपको हमारे जम्मू के एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके पास अवार्ड्स की तो कोई कमी नहीं है और बड़ा अच्छा नाम भी है इनका जम्मू कश्मीर में। रहने वाले हमारे जम्मू पकरडंगा के ही हैं। इनका नाम है सहज सबरवाल और इनकी अभी रिसेंटली एक बुक जो है LG साहब ने भी इनॉग्रेट की है। हम इनसे बात करेंगे। अभी तक ये 3 बुक्स लिख चुके हैं और अभी फ़िलहाल ये क्या कर रहे हैं और आगे इनका क्या पूरा एम है, इनके बारे में इनसे बात करेंगे। सहज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपकी एक बुक भी LG सर ने लॉन्च की है, रिलीज़ की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कौन सी बुक, और इससे पहले भी आप 2 बुक्स लिख चुके हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी लेटेस्ट जो बुक लॉन्च किया उसका नाम है एनेक्डॉट, मल्टी कैटेगरी कंटेंट बुक। तो इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, तीनों तरह की लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी। तो पॉइम्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल, स्टोरी, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। और साथ में इसमें मतलब ये है कि जैसे जो आजकल जो लोग हैं, जो युवा जो है, वो मतलब डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, और सेल्फ मतलब अवेयरनेस के लिए मतलब मैंने ये बुक लिखी है। मतलब अपनी खुद की मदद हम कैसे करें, सेल्फ मोटिवेट कैसे रहें, जबकि फेलियर वगैरह में मिलता रहता है। जैसे क्या होता है कि जो अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते ना स्टूडेंट्स के, या फिर कहीं UPSC कुछ नहीं निकलता, तो वो क्या करते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चल जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, और साथ में या तो ड्रग्स की दिशा में चल जाते हैं। तो ये 2 जगह हैं जिस जगह जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए मतलब मैंने ये बुक्स लिखी हैं। तो साथ में मतलब जैसे ये है कि जैसे ये होता है ना, अगर किसी सक्सेस नहीं मिलती तो लोग फेलियर को मतलब कुछ समझते नहीं है। तो मेरे हिसाब से मतलब फेलियर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक ही टाइम पे मतलब सक्सेस मिल जाएगी, आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि एक बार अगर आप सक्सेसफुल हो गए ना, उसके बाद जिंदगी में आपके पास करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, और एक तरफ से मतलब आप डेड हो जाओगे। तो इसलिए मतलब आपको धीरे धीरे करते जाना है, फेलियर मिलेगा, स्ट्रगल मिलेगी, तब भी आपकी सक्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहेगी। बहुत अच्छा। अच्छा सहज, आपको प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिलने का मौका मिला है, PM साहब से भी आप मिले थे, बताएंगे वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उस समय। जी, वो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए मेरा जम्मू कश्मीर से नॉमिनेट हुआ था मैं, तो इसलिए मेरे को मतलब उन्होंने इनवाइट किया। तो मेरे लिए सबसे अभी तक का बेस्ट इवेंट जो है वो उनका रहा है। उन्होंने मतलब पहले फ्लाइट टिकट्स वगैरह भेजी, खाना पीना रहना सब कुछ, और साथ में मतलब काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जो इतने बड़े मतलब वर्ल्ड के इतने बड़े लीडर जो हैं, तो उनको मतलब बिल्कुल सामने सामने देखा, मतलब इतना डिस्टेंस था बस हमारा, और मैंने उनको हेलो किया और उन्होंने दूसरे हाथ से मतलब ऐसे हेलो किया, तो कितना अच्छा रहता है, मतलब आंखों से आंखों मिलाना मतलब कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे मतलब नॉर्मली मतलब मैं इतना इंप्रेस नहीं होता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से मतलब कुछ अलग ही मतलब फीलिंग आती है, सामने सामने देखना, जिनको हम रोज़ TV पे देखते हैं, अलग अलग बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स के साथ देखते हैं वर्ल्ड वाइड, तो उनको देखना सामने सामने, और साथ में मतलब उन्होंने इनवाइट किया था खुद, तो वो बहुत बड़ी बात रहती है। तो सहज, अभी आप अपने फैमिली के बारे में बताएंगे, पिताजी आप क्या करते हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन वाइज क्या कर रहे हैं? जी, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मम्मा हाउसवाइफ हैं। तो मैं अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एरोनॉटिकल मतलब जैसे एरोप्लेन्स, रॉकेट्स वगैरह, उसकी स्टडीज़ होती हैं। तो साथ में जैसे ड्रोन्स जो इन्वायरमेंट के अंदर मतलब जैसे उड़ने वाले जो एटमॉस्फेयर के अंदर, तो मतलब उसके ऊपर स्टडी होती रहती है। तो मतलब अभी फाइनल ईयर मतलब ख़त्म हुआ है, तो अब मैं एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर भी बन गया हूँ। तो साथ में फ्री टाइम मतलब बुक्स लिखी हैं। पहली बुक मैंने 17 साल की उम्र में लिख दी थी, पॉइंट्स बाय सहज सबरवाल। तो इसके अंदर भी मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। तो पहले मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था, धीरे धीरे करके गेन किया। पहली बुक का रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं था। सेकेंड बुक पैडागोजिकल थॉट्स में फैक्ट्स लिखी 19 की एज में, तो इसके अंदर रिस्पॉन्स अच्छा आया। और उसके बाद एनेक्डॉट मल्टी कैटेगरी कंटेंट बुक लिखी, इसके अंदर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि मतलब जैसे धीरे धीरे करके बंदा सीखता है, मतलब सीढ़ियाँ ऐसे चढ़ता है। तो उसी से मतलब स्ट्रगल किया, थोड़ा सीखा, खुद सीखा, खुद रिसर्च किया, कवर डिज़ाइनिंग क्या सीखा, एडिटिंग सीखी, फॉर्मेटिंग सीखी, सब कुछ खुद सीखा। मतलब कोई टीचर भी नहीं होता राइटिंग के अंदर, आप देखोगे लिटरेचर आगे आजकल कुछ है ही नहीं कुछ सामने, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि लीडर्स भी मतलब कुछ बोलते हैं तो कुछ करते नहीं है मतलब खास। तो मतलब सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो उसके बाद ही आप सक्सेसफुल हो पाते हो। बहुत अच्छा सहज। तो अपनी तरफ से जो यूथ है उनके लिए क्या मैसेज देंगे, जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में बुक्स भी लिख रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, कुछ अपनी तरफ से यूथ को मैसेज देंगे? यूथ को मैं एक रैप के फॉर्म में बताऊं, मतलब जैसे सोसाइटी में जो रेप हो रहे हैं ना उसको रोकने के लिए मैं एक रैप सुनाता हूं। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पर आ गया, लेकिन क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार कर अपनी लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अपछताए मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान ना कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया ढंग से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम,
जिनकी हवस नहीं थमती, देते सबको गहरे जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नमक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गर्म, देशभक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो महिला ने गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने दूसरी लालसा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ आपका ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की रहा, चाहे एहसान कर देना। बाय सहज अग्रवाल, थैंक यू। बहुत अच्छा, वेरी गुड सहज। तो सहज की जो मोटिवेशनल कई बार ये मतलब एक स्पीकर भी हैं, किताबें भी लिख रहे हैं और साथ ही में जो है अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी जो है इनसे सीखे और इनको जो है फॉलो भी करें, ताकि आप लोगों को जो है लाइफ में आगे बढ़ने की सौ चीज़ें जो है पता चलती हैं। और एक बात और है कि जैसे लोग समझते हैं कि मतलब किस्मत से हो जाता है, मतलब किस्मत से नहीं होता, किस्मत बनती नहीं, बनाई जाती है, इसमें मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगता है। लोग समझते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है तो इसने बुक्स लिख दी, इतना फेम मिल गया, ये मिल गया, लेकिन ऐसे नहीं होता। मतलब एक रात की बात नहीं है, इसके अंदर आपको सुबह से लेकर रात तक, अब मेरे घर वालों से पूछोगे मतलब रात रात कहीं पर सोता नहीं हूँ, मतलब एडिटिंग फॉर्मेटिंग ये सब कुछ सीखने में, रिसर्च करने में, तो मतलब ये आसान बात नहीं है, तो आपको मतलब सीखना पड़ता है सब कुछ। और ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मतलब आपकी किस्मत अच्छी है तो आपने कर लिया, इसमें मेहनत लगती है, जो बैकग्राउंड में होती है वो आपको पता नहीं है। बिल्कुल, किस्मत बनानी पड़ती है, किस्मत जो लोग कहते हैं किस्मत होती है, ऐसा नहीं है, किस्मत बनानी पड़ती है अपनी। बाकी सहज को आप सपोर्ट करें और इनकी जो बुक्स हैं ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को साधुवाद।